हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों बजाज की जो है अभी नई बाइक हमने देखी थी जो कि NS 400 के नाम से आई है दोस्तों। और ये जो बाइक है ये बजाज ने बहुत ही शानदार लुकिंग डिज़ाइन के साथ में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया, इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और काफ़ी जगह पर काफ़ी शोरूम पर ये अवेलेबल भी है। लेकिन दोस्तों अब जो है बजाज के एक के बाद एक जो है ट्रेडमार्क नए देखने को मिल रहे हैं हमें इंटरनेट पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या नए ट्रेडमार्क जो है बजाज कंपनी ने किए हैं इस समय पर, और अपकमिंग जो है बाइक से रिलेटेड भी ये वीडियो होने वाली है कि कंपनी जो है अपकमिंग अपने कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि बजाज की तरफ से उनकी ADV कैटेगरी की बाइक जो है आने वाली है, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो नाम को जो है ट्रेडमार्क किया गया है बजाज कंपनी के द्वारा। और इसके जो है ट्रेडमार्क के सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी जो है रिसेंटली बजाज फाइटर और बजाज ब्रजर के नाम से जो है दो नए ट्रेडमार्क को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि रजिस्टर कराया है अपने पेटेंट वगैरह जो भी कह लीजिए बजाज कंपनी के द्वारा जो है ये रजिस्टर हो चुके हैं। और बजाज जो है अपनी अपकमिंग बाइक जो है यही दो नाम के साथ में इंडियन मार्केट में आ सकता है। दोस्तों टीम BHP के सोशल मीडिया हैंडल पर भी जो है ये फ़ोटो वगैरह काफ़ी वायरल हो रही है बजाज फाइटर और बजाज ब्रेजर के नाम से। तो सबसे पहले दोस्तों बजाज फाइटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये एक ADV कैटेगरी की यानी ऑफ रोड कैटेगरी की जो है बाइक होने वाली है बजाज कंपनी के द्वारा। और अब जो है ये एक अफोर्डेबल सेगमेंट में जो है मुझे लगता है 250 या हो सकता है 160 के अराउंड जो है ये इंजन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी बजाज फाइटर के नाम से, क्योंकि जो इनके प्रीमियम सेगमेंट में बजाज डोमिनार है ऑलरेडी जो कि एक टूरर मोटरसाइकिल है वहाँ पर भी जो है आपको बजाज कंपनी के द्वारा जो है बजाज डोमिनार मिल जाती है। लेकिन जो इनका नीचे का सेगमेंट है जो बजट कैटेगरी का सेगमेंट है वहाँ पर जो है आपको कोई भी बाइक देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर बजाज फाइटर जो है आपको देखने को मिल सकती है जो कि रहेगी 250 या 160 CC इंजन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते दोस्तों अगली बाइक के ऊपर में, जो अगला नाम जो है इन्होंने ट्रेडमार्क कराया है बजाज ब्रेजर के नाम से, ये हो सकता है कंपनी जो है इसे अपकमिंग CNG बाइक के तौर पर जो है इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, CNG बाइक जो कि बजाज कंपनी के द्वारा बहुत जल्दी लॉन्च होने में हमने सुना था, लेकिन हो सकता है कि बजाज ब्रेजर के नाम से जो है CNG बाइक हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये कैसी होगी, CNG बाइक के बारे में जो है ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बजाज फाइटर जो है इसके बारे में कंपनी श्योर है कि हमें जो है अपनी ADV कैटेगरी की बाइक को जो है यहाँ पर लॉन्च करना होगा। दोस्तों अगर आप बाइक से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपकमिंग जितनी भी बाइक से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह जो भी होती है चीज़ें वो सभी जो है आपको लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये दोनों ही बाइकें क्या कीमत में आएंगी उसके बारे में फ़िलहाल अभी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से बजाज की जो 250 और 160 सेगमेंट में जितना भी प्राइस रहता है तो उनके अराउंड ही आपको जो है ये प्राइस देखने को मिल सकता है, 1,25,000 तक आपको जो है देखने को मिल जाएगा। रही बात CNG की बाइक की, तो ये शायद आपको थोड़ी प्रीमियम कॉस्ट करने वाली है, यानी इनका प्राइस जो है थोड़ा अप रहेगा, क्योंकि CNG बाइक की जो है मार्केट में अभी डिमांड नहीं है इतनी। और ये जो है बजाज कंपनी अगर ये लेके आने वाली है तो हो सकता है काफ़ी लोग जो है बजाज की तरफ से उनके CNG मोटरसाइकिल को लेना पसंद करेंगे। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इसके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।